हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजिटल गेमिंग्स न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 सीक्रेट प्रो टिप्स देने वाला हूँ जो कि प्रो प्लेयर्स यूज़ करते हैं। बहुत ही कम लोग इस ट्रिक को यूज़ करते हैं या फिर इस ट्रिक के बारे में जानते हैं। ये 5 ट्रिक्स है, तो इस वीडियो को गाइस आप पूरा देखिएगा। तो चलते हमारी सीधा नंबर 1 ट्रिक के पास, जो है डबल जंप। जी हाँ, आपने सही सुना, पबजी मोबाइल में डबल जंप। ये ट्रिक बहुत सारे बंदों को नहीं पता, बट मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे डबल जंप कर सकते हो। इसके लिए आपको ये जो बड़ी बिल्डिंग्स है उनके रूफ्स पे चढ़ना होगा, और जैसे मैंने अभी किया गाइस, एक रेलिंग से दूसरे रेलिंग पे डबल जंप किया मैंने। आपने देखा, ये बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही टफ है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट हुए तो आप जाओगे सीधा नीचे और आपकी हेल्थ कम हो जाएगी। तो इस ट्रिक को आप बहुत सावधानी से कीजिए। और डबल जंप, जी हाँ, पबजी मोबाइल में वर्क करेगा। और जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो बड़ी बिल्डिंग है उनके रूफ पे आप चढ़ जाओ, फिर ये जो रेलिंग्स है जो आपको दिख रही है वहाँ से आप एक बार जंप कीजिए, फिर वापस से जंप कीजिए, और एक बिल्डिंग से आप दूसरी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल है ये, जबकि जब फाइनल सर्कल आपका यहाँ पे आया हो, या फिर बंदे आप पे रश करो, या फिर आपको बंदों पे रश करना हो, बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है। तो इसका आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और जी हाँ, पबजी मोबाइल में मैंने आपको डबल जंप करना सिखा दिया, तो इसका आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब चलते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 के पास। हमारी ट्रिक नंबर 2 है गाइस, क्लोज कॉम्बैट स्किल्स। इसका मतलब क्या है? क्लोज कॉम्बैट यानी कि बहुत ही नज़दीक से बंदों को मारना। ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है जब आप रश कर रहे हो, या फिर बंदे आप पे रश कर रहे हो, या फिर फाइनल सर्कल में। जो क्लोज कॉम्बैट स्किल्स होती है बहुत ही काम आती है फाइनल सर्कल में और रश करने में। तो इसको आपको अगर बढ़ाना हो तो एक ट्रिक है कि आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेले। सोलो वर्सेस स्क्वाड में अगर आपके 10 या 12 किल आने लगते हैं तो इसका मतलब है आपकी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही अच्छी हो गई है और आप एक क्लोज कॉम्बैट प्लेयर अच्छे बन गए हो। तो जी हाँ, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेले वॉर मोड में। चिकन डिनर ना आए, बट ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 10-12 किल्स आपकी आए। और जी ऐसे छिप छिप के ना खेले, पूरा बंदों पे रश कीजिए। अगर आप मरते हो तो भी आप वापस से यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने किया, यहाँ पे मैंने 4 या 5 बंदों और वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में इजीली मार दिया। तो एक बार आपका स्टार्ट हो जाता है, अगर एक बार आप सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप बहुत सारे किल्स यानी कि 10 या 12 किल्स आप लाने में कामयाब रह जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और चिकन डिनर आ जाते तो आप एक क्लोज कॉम्बैट प्रो बन चुके हो। बट 10 या 12 किल्स अगर आपकी आ जाती इजीली सोलो वर्सेस स्क्वाड वॉर मोड में, तो मान लीजिए आपकी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स अच्छी हो गई है। तो ये बात हो गई थी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स की। अब चलते हैं सीधा हमारी ट्रिक नंबर 3 के पास। बात करें ट्रिक नंबर 3, जो है मोलोटोव कॉकटेल इज बेटर देन ग्रेनेड। जी हाँ गाइस, आपने देखा होगा जो मोलोटोव कॉकटेल होती है उसमें ऐसा टाइमर नहीं आता। जैसे आप ग्रेनेड में देख सकते हो जो टाइमर आता है, उसको आप रिसेस टाइमर करके आपको छोड़ना पड़ता है। थोड़ा जल्दी छोड़ दिया तो बंदों को पता चल जाएगा कि ग्रेनेड आया, और थोड़ा लेट होया तो शायद आप नॉकआउट हो सकते हैं या फिर आपकी हेल्थ भी कम हो सकती है। बट मोलोटोव कॉकटेल के साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मोलोटोव कॉकटेल, अगर कोई बंदा कवर के पीछे छिपा है तो एक कॉकटेल डाल दो, वो बाहर भागेगा ही भागेगा, और ग्रेनेड या फिर एक या दो बंदों को नॉक करेगा। बट जो अब आप कॉकटेल डालोगे तो पूरी की पूरी स्क्वाड को अफेक्ट होगा, सब लोग इधर उधर भागने लगेंगे, उनकी हेल्थ कम होने लगेगी। तो अगर आपको रश करना है, या फिर बंदे आप पे रश कर रहे हैं, या फिर फाइनल सर्कल में बहुत सारे बंदे आपके आसपास, तो ग्रेनेड की जगह पे आप मोलोटोव कॉकटेल यूज़ कीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, एक टिप है जो प्रोस यूज़ करते हैं, और बहुत सारे प्रोस अभी भी मोलोटोव का यूज़ नहीं करते, बट ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अब चलते हैं हमारी टिप या फिर ट्रिक नंबर 4 के पास। तो हमारी टिप नंबर 4 है पिकअप या फिर ऑटो पिकअप। ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही डिस्कस्ड हुआ टॉपिक है प्रोज लोग में। आधे लोग बोलते हैं कि ऑटो पिकअप यूज़ करो, आधे बोलते हैं ऑटो पिकअप मत यूज़ करो। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी गाइस बहुत पहले, जो थी फास्टेस्ट टेक्निक टू पिकअप थिंग्स इन पबजी मोबाइल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको मेरे चैनल में दिख जाएगी। तो ये जो चीज़ है पिकअप, वो आप पे डिपेंड करती है। आप एक बार चेक कर लीजिए आपको क्या बेस्ट वर्क करता है, आपको ऑटो पिकअप बेस्ट वर्क करता है या फिर ऑटो पिकअप पे बिना आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। मेरे लिए तो ऑटो पिकअप के बिना यानी डिसेबल ऑटो पिकअप मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है, क्योंकि ऑटो पिकअप क्या है, जो नाकाम की चीज़ें होती है वो भी कभी कभी नहीं पर बहुत बार पिकअप कर लेती है, इसलिए मैं ऑटो पिकअप को ऑफ ही रखता हूँ। तो गाइस ये आपके ऊपर है कि आपको ऑटो पिकअप एनेबल रखना हो या डिसेबल रखना हो। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपको क्या पसंद आता है, आपको क्या वर्क करता है, आपके लिए क्या बेस्ट है, और आप उसे यूज़ कीजिएगा।
ये टॉपिक बहुत ही डिस्कस्ड होता है, तो ये प्योरली आपके ऊपर है आपको क्या यूज़ करना है। तो अब चलते हैं हमारी लास्ट गाइस, हमारी जो है टिप नंबर 5 है स्मार्ट रशिंग। रश करना तो बहुत सारे प्लेयर्स जानते हैं, बहुत सारे प्रो प्लेयर्स रश करते हैं, बट स्मार्ट रशिंग गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मार्ट रशिंग यानी कि आपको पता है एनिमी कहाँ है, एनिमी को कैसे मारना है, अगर वो कैंपिंग कर रहा है, वो छिपा हुआ है, तो उनको कैसे मारना है, उसे स्मार्ट रशिंग कहते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही इलैबोरेट वीडियो है मेरा, उसे आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा मेरी चैनल पर। तो गाइस स्मार्ट रशिंग में क्या होता है कि आपके जो कॉर्नर्स होते हैं बिल्डिंग्स के, उन कॉर्नर्स को आप हर बार चेक कीजिए। आप रश कर रहे हो तो आपके सारी बिल्डिंग्स के कॉर्नर को आप चेक करके रश कीजिए, और बंदा दिखता है तो मूव करते हुए उसे मारिए। और कभी भी गाइस अगर आप कोई भी बिल्डिंग में जाते हो तो ऐसा मान के ही जाओ कि वहाँ पर एनिमी है, भले आपको पता है कि वहाँ पर एनिमी नहीं है, ऐसा मान के जाओ कि वहाँ पर एनिमी है, तो वो बहुत ही आपको हेल्प करेगा अगर कोई बंदा कैंपिंग कर रहा है, कोई बंदा छिप के बैठा है आपको मारने के लिए। तो ऐसा समझ के ही जाओ हर बार कि जी हाँ बिल्डिंग में एक बंदा है। तो ये थी गाइस 5 प्रो टिप्स जो प्रो प्लेयर्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारे प्रो प्लेयर्स अभी भी ये टिप्स यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इस टिप्स को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये टिप्स, एंड ऑफ कोर्स आपको एक पबजी मोबाइल प्लेयर बनने में हेल्प करेगी। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ स्मार्ट रशिंग, ऐसे आप भी स्मार्ट रशिंग कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सारी की सारी ट्रिक्स को आप यूज़ कीजिएगा, आपको एक पबजी मोबाइल प्लेयर बनने में हेल्पफुल करेगा। तो अगर आपके लिए ऐसे ही फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ है तो उनको भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऑफकोर्स लाइक कर देना वीडियो को, और ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को भी एक बार ज़रूर दबा दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, अल्टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।